अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स A1 लेवल का लेसन नंबर 40 है और लेसन नंबर 40 के अंदर हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लेसन 39 के अंदर स्टार्ट किया था, डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स के पहले जो पाँच डब्ल्यू क्वेश्चन थे वो हमने लेसन 39 के अंदर कवर किए हैं और आज मैंने कुछ फर्दर डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पर मैंशन किए हैं जिनकी हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और देखेंगे कि किस डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड का क्या मतलब है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज का जो सबसे पहला डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड है वो है वी। वी वी का मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट इसके मीनिंग्स हैं। ये सबसे जो फ्रीक्वेंटली यूज इसका मतलब है वो है कैसे या हाउ इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप कहें, लेकिन ये क्या के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, कितना, कितने या कितनी के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वी को अगर हम एज अ डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो इसको हम किस सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं और इसका क्या मीनिंग होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये सारे आपके A1 लेवल तक के जो हैं वो उसको एड्रेस करेगा आपकी ज़रूरत को। पहली एग्जाम्पल है वी आल्ट बिस्ट डू। वी आल्ट बिस्ट डू, तुम्हारी क्या उम्र है। अब इसमें जो वी का मतलब कैसे नहीं यूज हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है कि तुम्हारी उम्र क्या है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम हाली वी को क्या के मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने किसी की उम्र पूछनी हो। वी आल्ट बिस्ट डू। अब इसमें अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, फिर उम्र, आल्ट को कहते हैं उम्र, और बिस्ट जो है वो जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन है डू के हिसाब से। हमें पता है कि जितने भी जर्मन वर्ब हैं जब हमने उनको सेंटेंसेस में यूज करना होता है तो हमने सब्जेक्ट के लिहाज से उसको कॉन्जुगेट करना होता है और डू के लिहाज से जब हम जाइन वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बिस्ट होगा। वी आर बिस्ट डू, तुम्हारी क्या उम्र है। अब आप खुद से एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपकी क्या उम्र है। अगर आप पूछना चाहें फॉर्मल या रिस्पेक्टफुल मीनिंग में तो फिर आप क्या कहेंगे, वी आल्ट बिस्ट डू जो है उसको आप अगर फॉर्मल तरीके से पूछेंगे तो कैसे आप पूछ सकते हैं। फिर है वी गेट एज डियर, तुम्हारा क्या हाल है। इस सेंटेंस में भी वी जो है वो कैसे के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा। वी गेट एज डियर, तुम कैसे हो या तुम्हारा क्या हाल है, ये दोनों चीजें जो है ये कवर होंगी इसके अंदर वी गेट एज डियर। फिर हमारे पास है वी कॉन्ट एंड सू डेर ऊनी, वो यूनिवर्सिटी कैसे आता है। अब यहां पे वी जो है वो कैसे के मीनिंग में इस्तेमाल होगा। वी कॉन्ट एंड सू डेर ऊनी। अब यहाँ पे अगर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, पहली पोजीशन पे हमारे पास वी जो डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड है वो है, दूसरी पोजीशन पे हमारे पास वर्ब है, वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट हुआ हुआ है सब्जेक्ट के लिहाज से, एर हमारे पास ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पोजीशन पे आया है, और उसके हिसाब से कॉमन वर्ब जिसका मतलब है आना या टू कम उसको हम कॉन्जुगेट करें तो ये बन जाएगा कॉम्ड। सू डेर ऊनी, अब ऊनी कहते हैं यूनिवर्सिटी की शॉर्ट फॉर्म है लेकिन ये यूज होती है ऊनी, आप कह सकते हैं ऊनी जो है वो एक फेमिनिन नाउन है। और यहाँ पे अगर हम देखें ये सू प्रेपोजिशन हमने यूज की है, सू एक डाटिव प्रेपोजिशन है, डाटिव प्रेपोजिशन यूज करें जब भी सेंटेंस में तो उसके बाद हमने देखना होता है कि आगे वाला जो नाउन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऊनी जो है वो एक फेमिनिन नाउन है इसलिए डाटिव केस के अंदर जो फेमिनिन नाउन का डेफिनेट आर्टिकल है वो होता है डेयर। तो क्यों हमने डेफिनेट आर्टिकल डाटिव से उठाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रेपोजिशन सू है वो डाटिव है। उसके बाद है वी स्पेट इस्ट एज, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं जब भी आपने किसी से टाइम पूछना हो तो इस वक्त क्या टाइम है या क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है वी, यहाँ पे इस सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं वक्त पूछने के लिए वी स्पेट इस्ट एज। उसके बाद हम देखते हैं कि वी को आप मुख्तलिफ और अल्फाज के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं और उससे एक डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। इसमें सबसे पहली एग्जांपल है वी लांगे,
हाउ लॉन्ग या कितनी देर। अब इसकी एग्जाम्पल है वी लांगे हास दू गिश्पील्ट, वी लांगे हास दू गिश्पील्ट, तुमने कितनी देर खेला है। अब यहाँ पे वी जो है वो कितने के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ लांगे जो है आपने ऐड की है। लांगे इटसेल्फ अलग से भी एक वर्ड है, जरूरी नहीं है कि जब भी आपने लांगे को यूज करना हो तो आपने वी के साथ कंबाइन करके यूज करना है। मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप इस वर्ड को अकेले भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको जरूरी नहीं कि आप वी ही साथ में कंबाइन करें। लेकिन अगर आपने डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड या कोई सवाल पूछना है तो उसमें आपको वी लांगे कितनी देर तुमने खेला है। अब यहाँ पे वी लांगे पहली पोजीशन के ऊपर आएगा, कंबाइंड रहेगा हमेशा, उसके बाद दूसरी पोजीशन पे वर्ब आएगा। ये क्योंकि एक परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है जिसमें परफेक्ट में हमें पता है कि जो हाबन या जाइन वर्ब है वो सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट होता है और सेकंड पोजीशन पे आता है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है दू। दू के हिसाब से जब हमने हाबन वर्ब को कॉन्जुगेट किया तो ये बन गया हास्ट, और हमें पता है कि पार्टिसिप्स वाई फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमेशा परफेक्ट टेंस के लास्ट पोजीशन पे आती है। तो इसलिए स्पीलन जिसका मतलब है खेलना, उसकी जो परफेक्ट फॉर्म है उस वो है गेस्पील्ट, और वो यहाँ पे एंड के ऊपर आ जाएगी। फिर है हमारे पास वी लांगे डाउर्ट डी फार्ट, वी लांगे डाउर्ट डी फार्ट, सफर कितनी देर चलेगा या सफर का क्या दौरानिया है। अब इस सेंटेंस में भी वी लांगे हमारे पास पहली पोजीशन के ऊपर आया है, उसके बाद डाउन एक जर्मन वर्ब है जिसको जब हमने डी फार्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट किया तो वो हमारे पास बन गया डाउर्ट, और फार्ट जो है वो एक फेमिनिन नाउन है इसलिए हमने यहाँ पे एक इसका जो डेफिनेट आर्टिकल है वो डी यूज किया है। फिर है हमारे पास वी ऑफ्ट, हाउ ऑफन, कितनी बार, इसको आप उर्दू में अगर ट्रांसलेट करना चाहे तो कितनी बार के मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वी ऑफ्ट बेजूख्ट लीजा ईगन फाटर, वी ऑफ्ट बेजूख्ट लीजा ईगन फाटर, लीजा अपने बाप को कितनी दफा विजिट करती है। अब इसके अंदर भी पहली पोजीशन के ऊपर हमारे पास डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड आ गया वी ऑफ्ट, फिर हमारे हमने दूसरी पोजीशन के ऊपर वर्ब है, वर्ब है बेजुखन, बेजुखन का मतलब है विजिट करना। अब यहाँ पे ये बेजुख्त इसलिए हुआ है क्योंकि लीजा के हिसाब से हमने इसको कॉन्जुगेट किया है, लीजा एक सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है और वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट होता है, इसलिए लीजा के हिसाब से जब बेजुखन को हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बेजुखन बन जाएगा बेजुख्त। उसके बाद है ईगन फाटर, अपने बाप को। अब ईगन यहाँ पे क्यों आया है, इसलिए कि बाप जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि बाप को विजिट किया जा रहा है तो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास वो होता है अकुजाटिव केस में, और अकुजाटिव केस में जो मास्कुलिन नाउन फाटर है उसके लिए लीजा के लिए जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा ईगन। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं वी ऑफ की, वी ऑफ गेज डू इन दस कीनो, तुम सिनेमा में कितनी दफा जाते हो। अब इसके अंदर भी वी ऑफ पहली पोजीशन के ऊपर आ गया, गेहन वर्ब जिसका मतलब है जाना या टू गो, उसको जब हम डू जो के सब्जेक्ट इस सेंटेंस का उसके हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बन जाएगा गेस्ट, वी ऑफ गेस्ट डू इन दस कीनो, कीनो कहते हैं सिनेमा को और ये हमारे पास एक नोइटर नाउन है इसलिए इसका आर्टिकल है दस। यहाँ पे हमने एक प्रेपोजिशन भी यूज की है इन, ये अभी तक हमने इसको डिटेल में नहीं देखा लेकिन ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, इसको हम आने वाले लेसन्स के अंदर देखेंगे कि इनको हम किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं और इसको हमें कैसे ट्रीट करना है, अकुजाटिव के तौर पर या डाटिव के तौर के ऊपर। फिर हमारे पास वी फील, हाउ मच या कितना, वी फील कॉस्टेड डी वोनुंग, अपार्टमेंट की क्या कॉस्ट है या अपार्टमेंट कितने का है, वी फील कॉस्टेड डी वोनुंग,
इसमें भी वी फील हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ गया, कॉस्टन जो जर्मन वर्ब है जिसका मतलब है टू कॉस्ट, वो उसको जब हमने वोनू के हिसाब से कॉन्जुगेट किया जो कि फेमिनिन नाउन है और थर्ड पर्सन के तौर के ऊपर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में, वी फील कॉस्टेड दी वोनुंग। दूसरी एग्जाम्पल है वी फील गेल्ड हार्ट जी, उसके लड़की के पास कितनी रकम है या कितने पैसे हैं। वी फील गेल्ड हार्ट जी, उस लड़की के पास कितने पैसे हैं। जी यहाँ पे वो लड़की वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है और ये जब हाबन की जो कॉन्जुगेशन है वो उस लड़की के साथ के लिए वो है हार्ट, तो इसलिए हमें ये पहचानने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि ये जी से कौन सा जी मुराद है। फिर है हमारे पास वी फीले, कितने। अब वी फील और वी फीले जो है उसके अंदर डिफरेंस ये है कि वी फील है हाउ मच और वी फीले है हाउ मैनी। वी फीले किंडर हाबन जी, आपके कितने बच्चे हैं। अब बच्चे दो तीन चार या जितने भी हो सकते हैं। वी फीले किंडर हाबन जी, आपके कितने बच्चे हैं। वी फीले गेश्विस्टर हास दू, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। गेश्विस्टर का मतलब है बहन भाई, इसमें दोनों शामिल हैं, एक कंबाइंड वर्ड है जो इसमें आपके पास अगर दो भाई और एक बहन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप कह सकते हैं कि इश हाबे स्वाई ब्रूडर उन आईने श्वेस्टर। वी फीले गेश्विस्टर हास्ट डू। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल है वी फीले स्टुंडन आरबाइटेट एर, वी फीले स्टुंडन आरबाइटेट एर, वो कितने घंटे काम करता है। तो वी फीले कितने के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। वी फीले स्टुंडन, स्टुंडन कहते हैं घंटों को, और आरबाइटन जर्मन वर्ब है जिसका मतलब है टू वर्क या काम करना, इसको जब हम सब्जेक्ट एर के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बन जाएगा आरबाइटेट। फिर है हमारे पास आखिरी डब्ल्यू क्वेश्चन वाहूम, वाहूम, वाहूम जिन जी नाख डॉयचलैंड ये कॉमन, आप जर्मनी क्यों आए हैं। अब वाहूम का मतलब है क्यों, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप जब भी जर्मनी में आएंगे तो सबसे पहला लोग आपसे यही पूछेंगे, वाहूम जिन जी नाख डॉयचलैंड ये कॉमन। ये हमारे पास एक परफेक्ट सेंटेंस की एग्जाम्पल है जिसमें हाबन या जाइन वर्ब यूज किया जाता है और जो हमारे पास पार्टिसिप्स वाई है वो एंड के ऊपर आता है। यहाँ पे कॉमन क्योंकि इसके अंदर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने की बात कर रहे हैं तो इसमें मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने जाइन वर्ब यूज किया और जाइन को जब हम सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट करेंगे तो ये होगा जिंड जी जिंड और नाख डॉयचलैंड, क्योंकि आप किसी मुल्क की तरफ सफर करने के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो नाख यूज करेंगे। और हमें पता है कि परफेक्ट सेंटेंस के अंदर हमने पार्टिसिप्स वाई को हमेशा जुमले के आखिरी पोजीशन के ऊपर रखना होता है, तो कॉमन को का जो पार्टिसिप्स वाई है वो है गे कॉमन और ये हमने आखिरी पोजिशन के ऊपर रखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन जब आप जर्मनी में आएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे वो है वाहूम Lernen Sie Deutsch? Warum lernen Sie Deutsch? आप जर्मन क्यों सीख रहे हैं? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आपको A1 लेवल के अंदर आपको क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए और इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट में पुट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।